हनुमान, भक्ति ऐसी कि सीना चीर दे तो प्रभु राम के दर्शन कर लीजिए, शक्ति ऐसी कि समंदर भी छोटा पड़ जाए, बल बुद्धि विद्या के देवता का बल ऐसा कि पर्वत भी उखाड़ लें। लेकिन अब यही बल बुद्धि और रफ्तार आपको भारतीय वायुसेना में देखने को मिलेगी, जिसके जरिए आपको भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और परंपरा के दर्शन भी होंगे। कैसे, वो बताते हैं। दरअसल एरो इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत बेंगलुरु के येलहंका के एयरफोर्स स्टेशन पर हो गई है। ये एयर शो 5 दिनों तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस शो में सबसे ज्यादा सुर्खियां HLFT-42 ने बटोरी, जिसकी टेल पर खुद हनुमान जी विराजमान हैं। टेल पर हनुमान जी की फोटो या कहें ग्राफिक्स लगे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी कि तूफान आ रहा है। और अब इस तूफान की चर्चा भी होने लगी है। इस तस्वीर में हनुमान जी हमला करने की मुद्रा में हैं, उनके हाथ में गदा है और वो वार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में हनुमान जी के शीश पर मुकुट भी है और भगवा रंग के वस्त्र भी उन्होंने धारण कर रखे हैं। आपको बता दें कि इस नए फाइटर प्लेन को HL की तरफ से प्रदर्शित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस मौके पर PM मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि एयर इंडिया भारत की बढ़ती क्षमताओं का एक उदाहरण है। यहाँ करीब 100 देशों की मौजूदगी बताती है कि दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ा है। भारत और दुनिया के 700 से अधिक प्रदर्शक इसमें भाग ले रहे हैं और इसने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालांकि इस बीच लोग मारुति नंदन पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। ज्ञान गंगा नाम के एक यूजर लिखते हैं, हनुमान जी का इस प्लेन की टेल पर होना बताता है कि इस फाइटर प्लेन का मकसद उतनी ही तेजी से उड़ना है जितनी तेजी से भगवान हनुमान उड़ा करते थे। साथ ही लिखा है कि कांग्रेस जहां भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही, वहीं BJP सरकार गर्व से भगवान राम की ख्याति को प्रदर्शित कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि एयर इंडिया 2023 में 80 से ज्यादा देशों की भागीदारी की बात कही जा रही है। लगभग 30 देशों के मंत्रियों, ग्लोबल और इंडियन OEM के 65 CEO के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। ये आयोजन लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों की भागीदारी का भी गवाह बनेगा। शो के दौरान 75,000 करोड़ के 251 MOU भी साइन किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि एयर शो में वायुसेना के बेड़े में शामिल 36 राफेल के साथ एडवांस 4th जनरेशन के मध्यम मल्टी रोल लड़ाकू विमान HL का स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन भी किया जाएगा। सुखोई फाइटर जेट, ध्रुव और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी इस शो का हिस्सा है। बहरहाल कुल मिलाकर हनुमान जी की इस तस्वीर पर आपकी क्या राय है, जो कि सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है? आपका जो भी कहना हो, जाकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। VK News, राष्ट्र के नाम।